शराब माफिया की 60,65,838 रुपए की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। थाना शिकोहाबाद पुलिस ने आज गैंगस्टर और शराब माफिया भूपेंद्र सिंह और फौजी की कई जगह अवैध रूप से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 60,65,838 रुपए है। शराब माफिया भूपेंद्र सिंह शराब के अवैध व्यापार के साथ साथ अन्य अपराधों में भी लिप्त है, जिसके खिलाफ 3 अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस ने आज इसकी अवैध संपत्ति को कुर्क करने का काम किया। KIA न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गिरोह बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 18 जुलाई को SDM सिकोहाबाद की उपस्थिति में गैंग लीडर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह उर्फ फौजी की कुल 60,00,000 रुपए की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद में शराब तस्करी सहित आधे दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कार्रवाई थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग 27/23/2/3 गैंगस्टर के अंतर्गत की गई है। आगे भी ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार जनपद फिरोजाबाद में कार्रवाई की जाती रहेगी। निवासी नगला कुंजी जवापुर तहसील गिरोह मैनपुरी हाल निवास यशोदा नगर कस्बा थाना सिकोहाबाद फिरोजाबाद व उससे संबंधित मौजा ग्राम किशनपुर मोहम्मदाबाद के कांटा संख्या 22 में एक किला प्लाट 155.34 वर्ग मीटर व उस पर एक लेंटर युक्त मकान को जब्त किया जाता है। उक्त मकान को जो भी खरीद फरोख करेगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से श्रीमान जिला अधिकारी महोदय फिरोजाबाद।